ਸੋਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। खसखस की खेती की मंग उठी है, अफीम की खेती की मंग उठी सी पंजाब दे विच। कई पॉलिटिशियंस ने भी मंग चुकी सी, चाहे असी बीबी जी नवजोत कौर की गल कर लीए, चाहे धर्मवीर सिंह जिहड़े पटियाला तो चोण लड़े, चाहे उन्होंने गल कर लीए, उसनू किवें देख रहे हो? वाकई हो सकता है इत्थे फॉर्मूला असी कह लीए कि चल सकता है, किसान कर सकते हैं खेती जेकर सरकार अनुमति दिंदी है? हाँ देखो, दो तीन कारण। एक तो नशा किसी रूप में भी ठीक नहीं है पंजाब के कल्चर च। एक हुण जिहड़े चीज़ 'च असीं फसे पए हैं, खास करके जिहड़ा जिवें नौजवान मर रहे, समैक वाली समस्या आ गई बहुत वड्डे पद्धर ते। जिहड़े साडे रवायती नशे सीगे उह ना तां मौत इन्नी ज़्यादा हुंदी सी ते कम भी बहुत करदे सी, ठीक आ। तां मेरे ख्याल जिहड़े माहरां ने राय दित्ती है संकट 'चों निकल लई है, इक तां खेती दे विच्चों पैसा बण जाए, इक जवानी नूं कढ़िया जावे उस नगार 'चों, मतलब इस करके रह आऊगी हुण इह सरकार दा। हाँ दूजा लगता किसानों नूं भी जे राजस्थान वाले भैया कर सकते आ, होर सूबे च हो सकता, साडे पंजाब क्यों नहीं हो सकता? तुहानूं लगता कि एक देश है दो कानून है, उही फीम उत्थे असीं कह लईए लखां रुपए दे भाअ नाल विकदी है ते पंजाब आ के उही परचा हो जांदा है, दस दस सालां दी जेल हो जांदी। हाँ बिल्कुल, देखो जिहड़ी एक है कानून दो ने, जिहड़ी सोसाइटी तुसीं रह रहे जे, जां तां उहदा कोई हल होवे ना वी असीं सोसाइटी नूं इस हिसाब नाल बना लईए, उहदे च किसी किस्म का कोई नशा ना हो, गुरुआं दी धरती है, यह साडा मनना। पर जे है हुण मौजूदा संकट चो किवें निकलना, वो आर्थिक पक्षों भी पंजाबी बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि खेती सैक्टर तो बगैर पंजाब है ही नहीं गा। खेती सैक्टर है तो पंजाब है, रंगला पंजाब कदी नहीं बनना जे खेती सैक्टर रिवाइवल ना होया, तो ना इतने इंडस्ट्री कामयाब होनी है। तो खेती सैक्टर घट जा रहा, थोड़ा थोड़ी यूथ थोड़ा हथों निकल कि जा रहा, दोवां चीज़ां नूं बचावांगे तां ही पंजाब सरवाइवल करेगा।